हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजवर राज, आपके सामने है टीवीएस एंटॉर्क मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, इसके अंदर लगा दी गई है फॉग लैंप जो कि एचजेजी ओरिजिनल होती है। इसे कहते हैं मिनी ड्राइव, जो कि एचजेजी ओरिजिनल होती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग देते लगने के बाद, साथ में इसके अंदर जो रोशनी है वो काफ़ी अल्टीमेट होती है। इधर लगा दिया गया आपका स्विच मेटल वाला, आप देख सकते हैं फुल्ली मेटल स्विच है। इसे आप ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये आपका होगा येलो, और येलो के बाद आपका दूसरा पैटर्न मिलेगा तो आपको मिलेगा वाइट, येलो और वाइट। और बहुत ही तेज़ इसकी रोशनी होती है क्योंकि एचजेजी ओरिजिनल है, लोकल लेंगे तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। साथ में आपको मिलते हैं इसके अंदर इंडिकेटर बल्ब, आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर बल्ब है, काफ़ी तेज़ इंडिकेटर बल्ब इसके अंदर लगा दिए गए हैं, जिसमें करीब 42-45 LEDs इसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, जिससे आपकी रोशनी हो जाती है तेज। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं, इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे इंडिकेटर, जो कि बॉडी इंडिकेटर इसके अंदर लगा दिए गए। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुकिंग लग रही है इसे लगने के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक हार्ले स्टाइल। इसमें इंडिकेटर लगा दिए गए हैं जो कि आपका ब्लू भी वर्क करता है, साथ में आपका वर्क करता है ऑरेंज भी। आप देख सकते हैं लुक काफ़ी डिसेंट नज़र आती है इसे लगने के बाद, और प्रीमियम भी। साथ में आप देख सकते हैं ये आपका जो गैप होता है, इधर एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, उसे हटा कर ईजिली लग जाते हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर लगा दिए गए हैं मैट, जो कि आपको देखने मिलेगा पूरा ही एंटॉर्क की ब्रांडिंग के साथ आपका मैट मिल जाता है इसके अंदर। कलर कॉन्सेप्ट कुछ रेड ग्रे और ब्लैक का मैचिंग दिया गया है इसके अंदर, और इससे आपकी बाइक की स्कूटर की लुकिंग जो काफ़ी इनहेंस हो जाती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाया है इसका। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ इसके हॉर्न, दिखाता नहीं सुनाता हूँ क्यों, दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो अंदर लगे दिखने वाले हैं नहीं वो। सही बात है, ये देखिए ये है इसके हेल्ला के ओरिजिनल, जो कि इसमें अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, हेल्ला के ओरिजिनल हॉर्न जो इसमें इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसकी आपको मिलते हैं काउंटर प्लेस में भी 6 महीने की। और साथ में इसमें दिखाता हूँ, इसके अंदर लास्ट टाइम भैया आए थे तो लास्ट टाइम भैया का इसमें कुशनिंग विद कवर भी इसके अंदर करा था, जो कि आज भी सक्सेसफुल है, कहीं जा गया नहीं, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, आज भी वैसे का वैसे ही है। और इधर आपको दिखाता हूँ जो कि डिसेंट जो वर्क किया गया है वो है इसके अंदर टॉप रैक, जो कि टॉप रैक है ये प्रॉपर फिटमेंट वाला है। तो इधर आपको देखने मिलता है इसके अंदर टॉप रैक जो कि विद बैक रेस्ट है, ये आपका इंस्टॉल कर दिया गया है इसके अंदर। पहले इसमें लगाया था वो थोड़ा जुगाड़ से लगाया था, अब ये बिना जुगाड़ वाला प्रॉपर फिटमेंट का फिट कर दिया गया है इसके अंदर। एंटॉर्क का बैक रेस्ट प्लस टॉप रैक लगाने के बाद इसके अंदर आप कुछ भी सामान इजीली कैरी कर सकते हो। साथ में आप चाहो तो आप देख सकते हैं टॉप बॉक्स, बहुत सारी रेंज है अपने पास, प्लास्टिक मेटल सारा मिल जाता है, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। चाहो तो बैक बैरियर रख सकते हो। और भाई साहब जो इसकी बैक रेस्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एंटॉर्क के अकॉर्डिंगली ही पूरी बनाई गई है, फुल्ली सेफ्टी के साथ, क्योंकि प्लेन राइडर पूरा हो जाता है सेफ इसे। तो इसे लगाने के बाद मुझे लगता है इसके बाद में कुछ जरूरत होती है प्लेन राइडर को, किसी भी जगह खतरा नहीं किसी गिरने का किसी चीज़ का। और भाई सब जबरदस्त लुकिंग दे रही है लगने के बाद, देख सकते हैं। और पीछे भी इंडिकेटर जो दिखाए थे मैंने आगे, वो सेम इसमें लगा दिए, पीछे भी देख सकते हैं बहुत ही तेज़ तर्रार वाले इंडिकेटर बल्ब जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आकर हो जाती है वीडियो कंप्लीट। अब मिलाता हूँ मैं भैया से, जिन भैया के स्कूटर है, कि इनको हमारा काम कैसा लगता है और कैसा नहीं। तो वेलकम बैक ब्रदर। तो ये हमारे भाई, सर भाई। आप पहले नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम हितेश है। ये हितेश भी हैं, और हितेश भी आप हमसे कब से जुड़े हो? हमको सर 1.5 साल हो गए। सबसे पहले मैंने जब स्कूटी खरीदी थी तो ये बेस यहीं से लगवाया था, ये वाला क्रैश, ये जो लगाया था उसके पीछे दूसरा बेस लगा था, पूरी बिल्डिंग वगैरह जो है इसका मैं बताना भूल गया, ये इनका लास्ट ईयर लगाया था। और आप देख सकते हैं आज भी बहुत ही अच्छी लुकिंग दे रहा है ये लगने के बाद, ये मैं बताना भूल गया था। अच्छा भैया ने बता दिया, देख सकते हैं आप पूरा जर्मन तरीके से फिट किया गया है इसके अंदर, और आज भी एज इट इज़ है, इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। तो दोबारा से भैया से पूछते हैं, और बाकी सब कुछ ऑल ओवर एक्सपीरियंस पहले का और आज का मिला के कैसा रहा? एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया रहा, अगर फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, सेकेंड टाइम में आता नहीं, मुझे वीडियो ढूंढने में मुश्किल हुई और मैं भूल भी गया था कि मैं कैसे पहुँचू यहाँ। क्यों? रीज़न बताइए। क्योंकि एक्चुअली एसकेडी नाम के दो चैनल यूट्यूब में मिलेंगे आपको, एक एसकेडी बाइक वर्ल्ड मिलेगा, एक राजू भैया एसकेडी मिलेगा। तो मैं एसकेडी बाइक वर्ल्ड ढूंढ रहा था, मैं बार बार वीडियो देख रहा था, उसमें सिकंदर भाई थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि मैं मेरी दुकान में आ जाऊँ, उनकी दुकान में मत जाना, बट मैंने काम यहाँ करवा रखा था पहले। तो फिर मैंने वापस से इनको व्हाट्सएप में ढूंढा अपना, दोबारा मैसेज किया, इनसे लोकेशन मांगी और मैं ऑफिस के बाद ही आया हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि जिससे जो बेस्ट काम करते हैं ना उसको लोग दोबारा आते हैं, 3 बार भी आएंगे, मैं अगली बार भी आऊँगा और अपना बिल कटवा के जा रहा हूँ, जो जो चीज़ नहीं लगवानी जबरदस्ती लगा के जा रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ इनको लग रहा था कि इनको चाहिए नहीं, लेकिन इनको पसंद आया यहाँ पर, तो ये पसंद पीछे का मैंने जो कैरी बैग लिया वो मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है, वो टॉप रैक टॉप रैक तक लगवाया है, वो लगवाना नहीं था बट ठीक है। तो हमारा अगर जो आप सर्च मार रहे हैं ना गूगल पर, तो आपको गूगल पर सर्च मारना है सिर्फ एसकेडी दिल्ली,
एसकेडी दिल्ली में सिर्फ एक ही होगा, वो सिर्फ होगी राजू भाई की शॉप, ध्यान रखना, या फिर राजू भाई लिख देना, या फिर राजू भाई लिख देना, राजू भाई एसकेडी, तब भी मैं वहाँ पर मेरा सब कुछ वहाँ पर डाटा आ जाएगा, क्योंकि राजू भाई मेरा नाम है, शॉप का नाम मेरी एसकेडी है। तो भाइयों आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, सीधा राजू भाई को फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।